फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, हिंदी में दो चरों के फलन के लिए टेलर प्रमेय। वन वेरिएबल का टेलर प्रमेय भी होता है जिसमें nth डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, और ये टू वेरिएबल के लिए भी टेलर थ्योरम है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आज अपन टू वेरिएबल का टेलर थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो इसका एक्सपांशन प्रूफ करने नहीं आता है, तो इसकी एक सीरीज होती है, वो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सीरीज भी बोलते हैं, एक्सपांशन भी बोलते हैं, या फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए प्लस डेल अपॉन एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी। यहाँ पर कंडीशन डिफाइन कर रही है, ये अपना इज अ फॉर्मूला है, तो इसको एक फॉर्म में लिखा है, डबल बार करोगे तो टू फैक्टर होल स्क्वायर, तीसरा स्टेप लिखोगे इसकी पावर थ्री हो जाएगी, थ्री फैक्टर ए बी। ए बी क्या कहलाते हैं, ए बी इज अ पॉइंट है जिस पॉइंट पर मुझे सीरीज जनरेट करनी है टेलर की, और यहाँ पर ए बी हो जाएगा एक्स माइनस ए एज एच कहलाता है, यानी एक्स में से कुछ माइनस कर उसको एच बोलते हैं, वाई माइनस बी के कहलाता है। यदि यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स ए प्लस बी, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला है जो एच और के फॉर्म में होता है। ठीक है, जनरली यही याद कर लेना तो क्वेश्चन आप पे बन जाएगा। अब यहाँ पर एक आर एन देख रहा है, आर एन इज अ रिमाइंडर, यानी ऐसा फंक्शन जिसका एंथ डेरिवेटिव फिनिश, यानी निकलता है एंथ डेरिवेटिव, एंथ वर्ड डिफिनेशन कर सकते हैं, जैसे ई कॉस साइन के डिफरेंशिएशन फिनिश नहीं हो तो उसका अपन एंथ डेरिवेटिव, जिसे अपन अवकल एन वा अवकल समीकरण बोलते, अवकल अवकलज बोलते हैं, वो यदि निकल रहा है तो वहाँ पर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में यदि रिमाइंडर की वैल्यू दे रखा है, तो जैसे आर एन इक्वल टू थ्री दे रखा है, तो दो स्टेप तो फॉर्मूला से, थर्ड स्टेप इससे निकाले, यानी आर थ्री का फॉर्मूला इससे निकलेगा, रिमाइंडर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो आर एन इज अ रिमाइंडर, यानी लास्ट टर्म कहलाती है, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्या है, आर एन वन अपॉन एन फैक्टोर एक्स माइनस ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस बी डेल, ये टर्म बस यहाँ पर पावर रहेगी, जो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर थ्री पावर, तो थ्री लगेगी, यहाँ पर इसका फॉर्मूला बस चेंज हो गया, हर जगह यहाँ पर एक्स माइनस ए भी है, यहाँ पर चेंज है, ए प्लस एक्स माइनस ए थीटा बी प्लस वाई बी y माइनस बी थीटा, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रिमाइंडर के लिए, क्लियर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद होगा, तो इसी फॉर्मूले में x माइनस ए की जगह h डाल दो, y माइनस बी की जगह k डाल दो, यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस h डाल दो, y कैसे आया मैंने बताया था, x में से कुछ माइनस कर रहे हो उसको h मान रहा है, y में से कुछ माइनस कर रहे हो b माइनस कर रहे हैं पॉइंट, इसको k मान रहा है, तो ये पुट करोगे तो एक नया फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो यदि वो फॉर्मूला याद हो गया तो अब इस फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेसिक फॉर्म में रहेगा। एक क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है, ऑब्टेन द टेलर फॉर्मूला फंक्शन ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस वाई एट 0 0 4 n इक्वल टू 3, यानी थर्ड स्टेप में रिमाइंडर के फॉर्मूले से निकालना है, n इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है। हिंदी में पढ़ते हैं, फलन ई टू पावर एक्स प्लस वाई का 0 0 पर n इक्वल टू 3 के लिए टेलर का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि यहाँ पर भी देखें तो ई टू पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन फिनिश नहीं होता, कितने बार भी करोगे आंसर वही आएगा, इसलिए इसका एंथ डेरिवेटिव रिमाइंडर फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला काम है फंक्शन एज्यूम करना, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वाई किसकी वैल्यू होगी, किसकी सीरीज निकाली, ई टू पावर एक्स प्लस वाई की, एंड लेट कर रहे हैं ए एंड बी एज अ पॉइंट, कितना है 0 0 पॉइंट पर, दैट इज करके लिखेंगे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और बी इक्वल टू कितना डालना है 0। पहला काम है फंक्शन और पॉइंट की वैल्यू निकालना, रिमाइंडर गिवन है यानी एन इक्वल टू कितना निकालना है 3, क्लियर। अब टेलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेगा बाय द टेलर फॉर्मूला, टेलर फॉर्मूले में फर्स्ट स्टेप लिखी, सेकंड स्टेप इसका होल स्क्वायर करना टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर आर एन इज रिमाइंडर, थर्ड स्टेप यानी थ्री रिमाइंडर फॉर्मूले से निकलेगी, दो स्टेप फॉर्मूले से निकलेगी, तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ, पुट इस फॉर्मूले में ए इक्वल टू कितना डाल रही हूँ 0, बी इक्वल टू कितना डाल रही है 0, और एन इक्वल टू कितना डाल रहा है 3। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ 0 0, यहाँ डालोगे तो एक्स 0 डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई माइनस 0 क्योंकि बी की वैल्यू भी 0 है, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर डाउट तो नहीं है, इस फॉर्म में एक्स की जगह एक 0 डाल रहा है, बी 0 डाल रहा है, और यहाँ पर फंक्शन है एफ ए जी ए कॉमा 0 ए कॉमा बी, तो ए 0 0 बन जाएगा, है ना, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, तो आप प्लस फैक्टोर आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 डेल अपॉन डेल एक्स, वाई माइनस 0 डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और फंक्शन कितना बन जाएगा 0 0, क्लियर। प्लस
R3 क्या बनेगा? रिमाइंडर, क्योंकि n इक्वल टू थर्ड स्टेप मुझे रिमाइंडर के फॉर्मूले से निकालना। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल था, बट थ्री फैक्टोरियल वाला क्यों नहीं करना, क्योंकि Rn इज रिमाइंडर फॉर्मूले से निकाला। तो Rn का फॉर्मूला यानी R3 की वैल्यू वी आर करके लिखेंगे, वी आर R3 किससे निकालेंगे, Rn के फॉर्मूले, इस फॉर्मूले n इक्वल टू 3 डाल देंगे, तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ जाएगा x माइनस 0 डेल अपॉन डेल बाय माइनस 0 डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ तक ठीक है। और पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। यहाँ पर यहाँ डाल देते हैं a, a तो 0, x माइनस 0 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस y माइनस 0 थीटा, ये फंक्शन निकालना है, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, x, यहाँ पर y, यहाँ पर x थीटा और y थीटा, तो ये स्टेप मैं लिख रही हूँ। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल, पहली स्टेप एफ 0 0, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स माइनस 0 एक्स बचा, वाई माइनस 0 वाई बचेगा, डेल अपॉन डेल वाई, एफ 0 0 पे निकालो, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ जगह एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, वाई डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, फंक्शन है 0 0, और R3 इज अ रिमाइंडर। R3 की वैल्यू फॉर्मूले से निकालनी, तो वे आर R3 की वैल्यू रख लेते हैं, R3 बना है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ जगह x डेल अपॉन डेल x, y डेल अपॉन डेल y, पावर कितनी हो जाएगी? खिली, यहाँ बचा है x थीटा और यहाँ बचा था y थीटा, ये आप देख सकते हैं कहाँ से निकाला, इसी फॉर्मूले में सॉल्व करके, एक्स वाई यहाँ पर दिस फॉर्म, ठीक है। अब मुझे क्या सोल्व करना है, इस पे होल स्क्वायर चल रहा है, इस पे क्यू चल रहा, तो दो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद बता देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक पढ़ा होगा ए प्लस बी का क्यू क्या होता है? ए क्यू 3a² b 3ab² प्लस बी क्यू, दिस इज अ फॉर्मूला। इसमें पुट करना है, पुट ए की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं? x डेल अपॉन डेल x, और b की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? y डेल अपॉन डेल y, ठीक है। तो फॉर्मूले सॉल्व कर देते हैं, f ऑफ x y, f 0 0, यहाँ पर तो कुछ नहीं, इसमें f ऑफ x y का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो डेल अपॉन डेल x फंक्शन ऑफ कितना बन जाएगा? 0 0, यहाँ जाएगा y फंक्शन ऑफ कितना बन जाएगा? 0 0 डेल अपॉन डेल y, इसका मीनिंग समझ में आ रहा, यानी फंक्शन को मुझे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और x और y की वैल्यू 0 0 रखनी, सेम चीज यहाँ रखनी है डेल अपॉन डेल y, और यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 0, यहाँ पर आ जा रहा है 1 अपॉन 2 फैक्टर, फॉर्मूला लगा रही a स्क्वायर, यानी स्क्वायर दो बार डिफरेंशिएशन करना है, स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है ना, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, दो बार डिफरेंशिएशन आएगा। सेम यहाँ कितना आ जाएगा? 2 एक्स एंड वाई, आ जाएगा दो डिफरेंशिएशन होगा, कितना पहले आ जाएगा एक्स, फिर कितना आ जाएगा वाई, क्योंकि फॉर्मूला ए डॉट बी है, तो यहाँ पर इन दोनों को एक्स और वाई हो जाएगा, यहाँ पर डेल 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 एक्स को डेल एक्स इंटू डेल वाई आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और पॉइंट है एफ 0 0 R3, वी आर R3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, R3 वन अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आएगा? क्यू, ए क्यू, तो यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट, फिर आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर डेल की पावर कितनी हो जाएगी? 3, एक्स को कितनी बार करना है? 2 बार, वाई को वाई, एक्स स्क्वायर यानी एक्स को 2 बार, वाई इन टू वाई फॉर्म, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा? 3 एक्स वाई स्क्वायर होता है, यानी इसको देख के लिख सकते हैं, एक्स सिंगल है यानी एक्स डेल हर आएगा, पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर कितना आएगा? डेल एक्स इंटू डेल वाई क्यू, वो फंक्शन लास्ट स्टेप बन जाएगी, डेल टू पावर क्यू क्यू, फंक्शन ऑफ कितना आ जाएगा? थीटा एक्स, थीटा एक्स, वाई थीटा वाई, ठीक है। यहाँ पर डाउट तो नहीं, अब ये काम करते हैं, इस फंक्शन एफ जी 0 को इसके अंदर ले जाते हैं और इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर R3 की वैल्यू भी डायरेक्ट पुट आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा है एफ ऑफ एक्स वाई
कितना मिला एफ जीरो जीरो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जीरो जीरो पॉइंट पर निकाला नीचे लिख लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास। फंक्शन यहाँ पर भी जीरो जीरो एक्स वाई प्लस कितना चल रहा है प्लस आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू अपन रिमाइंडर से निकालनी है तो वी आर आर थ्री, आर थ्री बनेगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यू एक्स बार डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड बार फंक्शन एक्स थीटा चल रहा था सॉरी फंक्शन एक्स थीटा वाई थीटा एक्स थीटा वाई थीटा वाई क्यू ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, जो अपना ये फंक्शन था है ना, इसको मैंने सॉल्व करा है तो इसमें एफ ऑफ एफ मल्टीप्लाई एफ ऑफ फॉन्ट एफ जीरो जीरो फंक्शन था तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी ठीक है। सेम चीज यहाँ करिए, यहाँ पर फंक्शन कितना है, फंक्शन है एक्स थीटा वाई थीटा, सही इस टर्म के साथ भी सबके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में चल जाएगी। अब इसका मीनिंग समझते हैं, यानी कि मुझे फंक्शन जो है उसको एक्स रिस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले फंक्शन में एफ जीरो जीरो डालना है, यानी जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स वाई, वहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट करना है तो एफ जीरो जीरो की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है मुझे दूसरे स्टेप में, मुझे क्या करना है फंक्शन को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरीवेटिव करना है और दोनों की वैल्यू जीरो डालना है। फिर दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है वाई के रिस्पेक्ट, एक्स के डबल डिफरेंशिएशन डेल एक्स इंटर डेल वाई करना है और वाई के रिस्पेक्ट में और जीरो जीरो। थर्ड स्टेप में तीन बार डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाला निकालनी ये टर्म और यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह एक्स थीटा डालनी है वाई की जगह वाई थीटा और सॉल्व करके इसे पुट करना है तो अपना वो आंसर होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं लेके चली हूँ फंक्शन, फंक्शन है ई टू पावर एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको इक्वेशन दे देते हैं। फर्स्ट पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन कितना है ई टू पावर एक्स वाई, तो ई टू पावर ई एक्स प्लस वाई एक्स का वन हो जाएगा, ई का डिफरेंशिएशन इसका अगेन करोगे तो ई टू पावर एक्स ही। सेम चीज़ यहाँ कर रही हूँ डेल अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो डेल अपॉन डेल वाई ई टू पावर एक्स वाई इज अ फंक्शन, सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना है एक्स प्लस वाई। डेफिनेशन निकालना आ रहा क्या कर रहा है एक्स रिस्पेक्ट में ई का ई रहेगा इसका अंदर का फंक्शन तो एक्स का वन वाई का जीरो हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स जीरो हो जाएगा वाई का वन, डायरेक्ट फंक्शन और फंक्शन की प्रॉपर्टी पहले ई सॉल्व फिर अंदर का फंक्शन, यानी कि पहले ई का ई होगा फिर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करो एक्स के रिस्पेक्ट, तो आंसर आएगा ई टू पावर एक्स प्लस वाई एक्स का वन वाई जीरो। तो फंक्शन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स एक्स कॉमन वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली ई टू पावर एक्स, तो मैंने डायरेक्ट कर रखा है इसको दे देंगे इक्वेशन ऑफ सेकेंड, इसको कितना दे देंगे थर्ड। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो सेपरेट करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फंक्शन, सेपरेट कैसे करते हैं डेल की पावर टू है तो दो बार कर दी फंक्शन ने किए डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू नहीं फंक्शन की वैल्यू निकाल रखी है ई टू पावर एक्स बाय, एक बार डिफरेंशिएशन अपन कर सके डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली मैंने ई टू पावर एक्स प्लस वाई, इसका अगेन करेंगे तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई आएगा, इसकी इक्वेशन दे देते हैं फोर्थ। क्लियर? अगेन कर रहे हैं तो मुझे ये निकालना है तो डेल और डेल सेपरेट करा पहले, यहाँ पर पहले क्या है डेल एक्स फिर कितना है डेल वाई, सॉल्व करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ई टू पावर
डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी कितनी निकाली अपन ने यहाँ से, कितनी निकाली ई टू पावर एक्स प्लस वाई, इसका पार्शियल करेंगे तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई आएगा, इसको इक्वेशन दे देते हैं फोर्थ, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में डबल करना है तो डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई सेपरेट करना आ रहा है, वाई की पावर टू है डेल, तो डेल डेल एफ डेल वाई डेल वाई, तो डेल वाई डेल, तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू है डेल एफ, एफ लगा है तो है इसकी वैल्यू कितनी निकाली ई टू पावर एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी ई टू पावर एक्स प्लस वाई, इक्वेशन दे देंगे सिक्स, क्लियर। अब मुझे ट्रिपल बार डिफिनेशन करना है, तो तीन बार एक्स रिस्पेक्ट में ये वाला वही से लिखा है तो सेपरेट कर रहे हैं, तो डेल एक बार जाएगा यहाँ पर, डेल स्क्वायर बचेगा, डेल एक्स वहाँ गया तो डेल एक्स स्क्वायर सेपरेशन है, डेल मैंने बाहर निकाले डेल स्क्वायर वैसे की वैसे, यहाँ पर डेल एक्स बाहर निकाला तो पावर दो बची, यहाँ पर आएगा डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है नहीं, पावर स्क्वायर का भी निकाला, डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है ये वाले कहाँ गया, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है ई टू पावर एक्स वाई, डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कितना निकाला मैंने ई टू पावर एक्स वाई, इसकी वैल्यू सब में तो एक ही आ रही है, पैटर्न में सिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फाइव इक्वेशन अपन ने यहाँ दी थी, सिक्स तक दे दी थी, तो इसको सेवन देनी है, अगेन कर रहे हैं इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो डेल कितनी है तो दो बचे यहाँ पर, फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर पावर तीन थी ना, तो एक बाहर निकालना हमेशा, एक डेल स्टार्टिंग का पहले निकालता डेल एक्स निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा डेल एक्स इंटू डेल वाई बचेगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी कितनी निकाली थी एफ ऑफ एक्स वाई, कहाँ से पता अब हमने निकाल रखी है पहले, डेल एक्स इंटू डेल वाई ये वैल्यू अपन को पुट ऑन करनी, ठीक है, ई टू पावर एक्स वाई सब में एक ही आ रही है, बट पैटर्न सीखना है क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगी उससे फंक्शन होगा तो देख के आपको पुट करनी पड़ेगी तब आंसर डिफरेंट आएगा, इसमें सेम आ रहा तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, सेम चीज यहाँ करेंगे, डेल को बाहर निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर डेल एक्स को बाहर निकाल रहे हैं तो डेल अपॉन वाई स्क्वायर बाहर निकले, तो डेल अपॉन डेल एक्स, अब वाई का डबल डेरिवेटिव निकाला था, वाई का डबल डेरिवेटिव कितना निकाला था ये लास्ट ई टू पावर एक्स वाई ही निकला इसमें, ई टू पावर कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशियल में कितना आएगा ई टू पावर एक्स वाई, वी कितना एक्स नाइन, लास्ट है वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल और डेल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा डेल वाई स्क्वायर, तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ई टू पावर एक्स वाई निकाला तो आंसर आएगा ई टू पावर एक्स प्लस वाई, इसको इक्वेशन दे देंगे सिक्स। अब वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू, यहाँ पर कितना है सेवन तक, सिक्स तक क्या डालना है x इक्वल टू जीरो डालना है, y इक्वल टू जीरो क्योंकि डबल डेरिवेटिव तक है ना, डबल डेरिवेटिव में मुझे जो फंक्शन है मेरा f जीरो जीरो के पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, एंड और जो फ्रॉम इक्वेशन q है, q वाले में रिमाइंडर का फॉर्मूला वहां पर x की वैल्यू x थीटा निकालना, y इक्वल टू y थीटा पर निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है सेवन टू टेंथ, सेवन टू टेंथ x इक्वल टू मुझे x थीटा डालना है, y इक्वल टू कितना डालना है y थीटा, पुट करके वैल्यू निकाल देते हैं, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ई टू पावर एक्स पुट कर देते, तो फंक्शन पुट करना है एक्स की वैल्यू जीरो डालनी है, ई टू पावर कितना डालना है जीरो प्लस जीरो, तो किसी की पावर जीरो तो वैल्यू कितनी आती है वन, तो एफ जीरो जीरो की वैल्यू कितनी आ गई वन, ई टू पावर जीरो बनेगा किसी की पावर जीरो तो बन, अब डेल अपॉन डेल सबकी वैल्यू ये नहीं थी, तो डेल अपॉन डेल एक्स फंक्शन ऑफ जीरो जीरो पर निकाल रहे हैं, पुट कर एक्स की वैल्यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, ई टू पावर क्या है जीरो प्लस जीरो, तो डबल डेरी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जीरो जीरो की वैल्यू भी कितनी आ गई वन, ठीक है। अब वाई का सिंगल डेरिवेटिव निकाला था डेल अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू भी कितनी निकाली है जीरो जीरो, तो ई टू पावर कितना बना जीरो प्लस जीरो, तो डेल अपॉन डेल वाई फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई वन, सारी वैल्यू वन ही वन ही आएगी बट मैं निकाल के दिखा रही हूँ। आप निकाला x का डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ जीरो जीरो x का डबल डेरिवेटिव, फंक्शन था e टू पावर x प्लस वाई तो जीरो बन जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ 0 0 की वैल्यू मुझे कितनी मिली 1। इसका वैल्यू भी यही निकाला है, डबल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू भी वही निकली। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 0 0 पॉइंट पर डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिली 0 0। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वाई फंक्शन ऑफ 0 0 की वैल्यू कितनी मिली 1। ठीक है, लास्ट डबल डेरिवेटिव निकाली थी, डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 0 पॉइंट पर y के रिस्पेक्ट में डबल करना है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 0 0 निकली। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y के रिस्पेक्ट वैल्यू कितनी मिलेगी 1 निकली। क्लियर। अब इसमें कितना डालना था, ये अपनी स्टेप थी 4। इसमें x इक्वल टू थीटा डालना, y इक्वल टू थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यू एक्स इक्वल टू थीटा एक्स थीटा डालना है, वाई इक्वल टू वाई थीटा। तो ई टू पावर क्या बनेगा, थीटा एक्स थीटा वाई। ये इसको सॉल्व करें तो एक्स क्यू एक्स को कॉमा निकाले, थीटा प्लस क्या बन जाएगा एक्स, इसको रहने देते डायरेक्ट इसी फॉर्म में ले लेते, कॉमा निकाल रही थी मैं, हर बार निकालना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ देखते हैं तो कितना था क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना है जाएगा एक्स, एक्स का थीटा एक्स डालना है, वाई इक्वल टू थीटा। तो फंक्शन बनेगा थीटा एक्स थीटा वाई। ठीक है, सभी में वही बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यू वाला डेल एक्स इंटू डेल वाई क्यू, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स थीटा डालना है, वाई इक्वल टू वाई थीटा डालना है। तो फंक्शन बनेगा एक्स थीटा प्लस वाई थीटा, लास्ट टर्म में डाल रहे हैं तो वाई क्यू वाई थीटा। ठीक है, अब पुट दीज वैल्यू, इन इक्वेशन जो फॉर्मूला वाली इक्वेशन थी उसको क्या नाम दे रखा था, उसको पुट करनी है। ये वाली वैल्यू तो इसको स्टार इक्वेशन देते हैं, इन इक्वेशन स्टार पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई, एफ 0 0 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 1। यहाँ पर x x ये भी कितना निकला 1, ये आ जाएगा y, ये भी कितना निकला 1। यहाँ पर आ जाएगा 1 factorial x स्क्वायर, ये निकला 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2xy, ये भी 1 निकला। यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर। आर थ्री किससे निकालना है, रिमाइंडर से। ठीक है, वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, आर थ्री वियर करके फॉर्मूला डाल रही हूँ, आर थ्री के फॉर्मूले स्टार वाले में। तो यहाँ पर क्या निकला 1/3 factorial एक्स क्यू, इसकी वैल्यू भी कितनी निकली 1। यहाँ पर 3x² y, इसकी वैल्यू भी 1 निकली। यहाँ पर 3xy² इसकी वैल्यू 1। यहाँ पर कितना निकला वाई क्यू, इसकी वैल्यू भी कितनी निकली 1। इसमें 1 नहीं निकला, सॉरी थीटा एक्स निकला है, वाई मिस्टेक, 1 1 रख दिया सब जगह। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 1 ने, ई टू पावर थीटा एक्स थीटा वाई, इसकी वैल्यू ई टू पावर थीटा एक्स थीटा वाई। यहाँ पर भी ई टू पावर थीटा एक्स थीटा वाई, यहाँ पर ई टू पावर एक्स थीटा वाई। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बनेगा 1, ये एक्स प्लस वाई, यहाँ 1/2 factorial, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर 2xy, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस आर थ्री। आर थ्री की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, आर थ्री मेरा कितना निकला है, आर थ्री निकला है 1/3 factorial। सब में से बता रही हूँ मैं क्या करूँ, पहले लिख देती हूँ फिर आपको बता रही हूँ। सभी इक्वेशन में ई टू पावर थ्री एक्स कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, अब वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बना 1 प्लस एक्स प्लस वाई,
वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है टू ए बी प्लस आर थ्री, वेयर आर थ्री, तो आर थ्री कितना निकला है वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई पावर क्यू ई टू पावर थीटा एक्स, ये हो जाएगा थीटा वन, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं, नाउ वी गेट गेट ई टू पावर एक्स प्लस वाई कितना निकला वन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर था एक्स प्लस वाई पावर क्यू अपॉन टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर आर थ्री की वैल्यू निकली वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स प्लस वाई पावर कितनी हो गई क्यू, यहाँ पर फंक्शन कितना निकला है ई टू पावर थीटा एक्स थीटा वाई, दिस इज आंसर, है ना, रिमाइंडर की वैल्यू पुट ऑन कर दी, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो डिफ्रेंशिएशन मैन है वो आपको आएगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जिनका भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वीक है तो वो हम लोग का एक यूट्यूब पर एक चैनल चलता है जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसको आप वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया है। तो यदि आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और आगे की क्लास के लिए भी आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा ऐप के माध्यम से। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।